बात होती है, हो रही है पूरे देश में, तो हिंदू क्या होता है? हिंदू का मतलब मैं आपको बताता हूं। हिंदू का मतलब वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी चलता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता, उसको हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर को नफरत में, क्रोध में और हिंसा में नहीं बदलने देता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। एक तरफ सच्चाई, महात्मा गांधी, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान ने उनको महात्मा कहा, हिंदू। दूसरी तरफ नथुराम गोडसे, हिंदुत्ववादी, उसको किसी ने महात्मा नहीं कहा और ना कह सकते हैं, क्योंकि क्योंकि नथुराम गोडसे ने हिंदू के छाती में, सच बोलने वाले हिंदू की छाती में, सच की लड़ाई लड़ने वाले हिंदू की छाती में तीन गोली मारी। क्योंकि नथुराम गोडसे अपने डर का सामना नहीं कर पाया। नथुराम गोडसे एक कायर था, कमजोर आदमी था, और वो अपने डर का सामना नहीं कर पाया। उसने अपने डर को नफरत में, क्रोध में बदला, हिंसा में बदला, और सच्चाई जो बोल रहा था उसकी छाती में तीन गोली मारी। इसलिए हम नथुराम गोडसे को महात्मा कभी नहीं कह सकते। हिंदू और हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है, हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है, हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। यह फर्क है भाइयों और बहनों। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है, हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ झूठ, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ नफरत, एक तरफ अहिंसा, दूसरी तरफ हिंसा। हिंदू हिंदुत्ववादी, महात्मा गांधी नथुराम गोडसे। तो नरेंद्र मोदी जी ने, वो कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो चलिए सच्चाई की नरेंद्र मोदी जी ने कहां रक्षा की, मैं आपसे पूछता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं देश के हर युवा को, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। सच्चाई या झूठ, सच्चाई या झूठ, हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कोरोना के समय कहा, भाइयों और बहनों थाली बजाओ, कोरोना चला जाएगा। हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर नहीं आई, चाइना की सेना ने 1000 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन हड़प ली है, हिंदू या हिंदुत्ववादी? ये नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा स्वयं कि मैंने ये 3 कानून जो किए हैं, लागू किए हैं, ये किसानों के हित के लिए मैंने कानून लागू किए हैं। याद है, पूरे देश का किसान एक साथ खड़ा हो गया, कहता है नहीं, झूठ बोल रहा है।
नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है। ये तीन कानून हमारे हित के नहीं है, ये तीन कानून अंबानी और अदानी के लिए बनाए गए हैं। पूरे देश के किसान ने यह बोला। एक साल नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, खालिस्तानी है खालिस्तानी, झूठ। हिंदुस्तान के किसान के बारे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, हिंदू या हिंदुत्वादी। उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, भाइयों और बहनों यूपी का चुनाव है ना, भाइयों और बहनों गलती हो गई, माफी मांगता हूं, मैंने गलती कर दी, माफी मांगता हूं। फिर से झूठ। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने गलती नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपतियों के लिए काम किया था। नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों से उनकी मेहनत उनकी कमाई छीन कर हिंदुस्तान के दो तीन सबसे बड़े पूंजीपतियों को दिलवाई। गलती नहीं थी भाइयों और बहनों, उसमें कोई गलती नहीं थी, वो उन्होंने जानबूझ के काम किया था। एक बार फिर क्या है, प्रेशर, प्रेशर दबाव। एक और बात सुन लीजिए, हिंदू प्रेशर के सामने नहीं झुकता, हिंदुत्ववादी जरूर झुक जाएगा। देखिए जब गोडसे को, नथुराम गोडसे को फांसी लगी ना, बच्चे जैसे रोया था वो, पैर कांपे थे उसके, हिंदुत्ववादी। गांधी जी रोए नहीं थे, तीन गोली लगी थी, हे राम बोला उन्होंने, एक आंसू नहीं निकला, ये होता है हिंदू, ये होता है हिंदू। तो मैं यहां क्यों आया, मैं आपको यह बताने आया हूं कि देखिए हमारा पारिवारिक रिश्ता है, सच्चाई का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है और बहुत लंबा रिश्ता है, और यह रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, नरेंद्र मोदी जी ने आपसे बोला काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काला धन मिट जाएगा नोटबंदी के बाद, सच या झूठ? काला धन मिट गया? नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा, सच या झूठ? 2 लाख रुपए मिल गया? हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी जी ने आपको जीएसटी दी, जीएसटी से छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को फायदा मिला, सबसे बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को फायदा मिला। कोरोना के समय प्रियंका ने बोला सबसे अमीर लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने टैक्स माफ किया, लाखों करोड़ रुपए। और जब मजदूरों ने, अमेठी के मजदूरों ने बस टिकट मांगा, ट्रेन का टिकट मांगा, नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं तुम्हें हम ट्रेन का टिकट, बस का टिकट नहीं दे सकते, पैदल चलना है तो चलो, ट्रेन और बस में चलना तुम्हारा हक नहीं है। सच्चाई है। हमने मदद करने की कोशिश की, हमने बसें लगाई, चलने नहीं दी। ऑक्सीजन की बात प्रियंका ने करी, छत्तीसगढ़ की सरकार से हमने कहा कि अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, आप भेजिए। उन्होंने भेजा, नरेंद्र मोदी जी ने, यूपी की सरकार ने राजनीति की, आपको मरने दिया मगर ऑक्सीजन नहीं दिया। यह है सच्चाई भाइयों और बहनों।